बीएचयू कृषि शताब्दी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री ने शिरकत की। आज से 25 साल बाद यानी कि आजादी के 100वें अमृतकाल में भारत कैसा होगा, उसका विकास कैसा होगा, उसका निर्माण कैसा होगा, टेक्नोलॉजी की क्या इसमें अहम किरदार होगा, इस विषय पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मंथन हुआ। इस मंथन का नाम थिंक इंडिया कन्वेंशन है। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। इस कार्यक्रम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो के अध्यक्ष डॉ उन्नी कृष्णन और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत देशभर के ख्याति प्राप्त लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बीएचयू कुलगीत एवं दीप प्रज्वलन से हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत के विकास में टेक्नोलॉजी का भी एक अहम योगदान रहेगा। रेल मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले दीपावली तक भारत के 100 विश्वविद्यालय 5G टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएंगे। पूरे देश में जनवरी से टावर लगाने की संख्या में तेजी आएगी। निकल के सामने आएगा आज थिंक इंडिया के माध्यम से पवित्र काशी नगरी में बीएचयू के इस बहुत ही अच्छे कैंपस में युवाओं के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, वो सब आज छात्रों के साथ प्रेजेंटेशन में पेश किया गया और छात्रों के प्रश्न, छात्रों के सुझाव इसमें लिए गए।